हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे अफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं आपसे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, कोई भी क्रोमैटोग्राफी हो उसमें दो फेज़ तो ज़रूर होते हैं, स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़ होता है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन की अगर बात करें तो स्टेशनरी फेज़ ऐसा मॉलिक्यूल होगा, ऐसा कुछ होगा पोरस इन नेचर जो होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, अपने में आयन्स को ट्रैप कर लेगा। तो स्टेशनरी फेज़ के लिए यहाँ पर हमारे पास जो होगा दैट इज़ एगरोज हम एज एन स्टेशनरी फेज़ यूज़ करेंगे। अब मोबाइल फेज़ की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मोबाइल फेज़ से ही हमें आयन को एक्सचेंज करना है अपने, ठीक है, तो हमें ये जो फेज़ होगा इसी मोबाइल फेज़ से ही हमें मिक्सचर ऑफ आयन्स होगा हमारा, जिसमें से हमें अपने आयन्स ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये होती है आयन्स एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हमें करना है, ठीक, मोबाइल फेज़ से, जिसमें क्या होगा मिक्सचर ऑफ आयन्स होगा। ये बात हो गई, ठीक। ये अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी यूटिलाइजेस चार्ज, इसलिए हम इसको हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज का, आयन्स का या फिर पोलर सॉल्वेंट का ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चार्ज, आयन्स और पोलैरिटी का एक्सचेंज होता है, इसलिए हम इसमें केवल ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसके यूज़ की बात करें तो हम इसका यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर प्लांट। ठीक है, हम इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ करते हैं इस एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटोग्राफी को। अब अगर टाइप्स की बात करें तो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी दो तरह की होगी, एक कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी और एक एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, कैटायन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एनायन्स कैसे होते हैं, एनायन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये दो तरह की होती है, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। अब मैं बारी बारी से आपके संग कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब हमें जो देखना है वो है कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कैटायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी यानी कि प्लस आयन्स का एक्सचेंज होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन का, और एनायन एक्सचेंज यानी कि क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक स्टेशनरी फेज़ होता है और एक मोबाइल फेज़, और मोबाइल फेज़ में हमारा मिक्सचर ऑफ आयन्स होता है जिसमें से हम अपना आयन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है एक्स, जो कि ए चार्ज्ड आयन से बाउंड है। ठीक है, और इसी के संग हमारे बी प्लस आयन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है। ठीक, अब ये स्टेशनरी फेज़ के ऊपर हम अपना मोबाइल फेज़ रन करवाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है क्रोमैटोग्राफी में, स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मोबाइल फेज़ रन करवाते हैं। तो स्टेशनरी फेज़ पे हम ये अपना ये जो मोबाइल फेज़ है इसको रन करवा देंगे। ठीक है, तो जब हम रन करवाएंगे तो चूंकि ये आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये ए माइनस है, ये अपने पास, ये हमारा इतना ये स्टेशनरी फेज़ है, तो ये ए माइनस है, ये खुद की तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज आठ पार्टिकल्स को। ठीक है, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट कर लेगा तो अब बहुत सारे आयन्स होंगे जो अनबाउंड होंगे। ठीक है, अब ये बाउंड तो केवल सी प्लस को करेगा ना, अपने पास अट्रैक्शन तो इसको ये केवल सी प्लस को करेगा, लेकिन अब कुछ आयन्स फ्री फॉर्म में भी हो जाएंगे बहुत सारे। तो अब फ्री आयन्स को हम रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिखा एक्सचेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फ्री आयन्स को एक्सचेंज किसका होगा, बी प्लस से सी प्लस का एक्सचेंज, इसीलिए इसका नाम है, इससे हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब एक्सचेंज हो जाएगा
ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, इससे इसका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सचेंज हो जाएगा तो अनबाउंड को हम रिमूव करेंगे, तो अनबाउंड को रिमूव कैसे करेंगे, बफर से वॉश कर देंगे, ठीक है। तो बफर से वॉश कर देंगे तो अनबाउंड जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब हमारा मेन टारगेट है कि हम अपना जो इंटरेस्ट का मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट कर लें, तो हमारे पास उसके लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ इल्यूशन, जो हमने एफिनिटी में भी किया था, ठीक है। अब इल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम जिस सेम चार्ज मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये कैटायन है तो हम यहाँ पे प्लस चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। प्लस चार्जेस का जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इस ए माइनस से ये वाला जो प्लस है, बहुत सारे जो हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ये अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो सेपरेट हो जाएगा तो हम अपना मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट कर लेंगे। ये है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सेम इसी तरह एनायन एक्सचेंज में होता है, लेकिन एनायन एक्सचेंज में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो आपका यहाँ स्टेशनरी फेस ए माइनस बी प्लस से बाउंड था ना, अब ये बाउंड होगा ए प्लस बी माइनस से, ठीक है। और एक्सचेंज इसका इससे होगा, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और एक्सचेंज की बात करें तो नेगेटिव का इस सैम्पल हमारे जो मोबाइल फेज में जो नेगेटिव चार्ज हैं उनसे एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब ये एक्सचेंज होने के बाद सेम प्रोसेस करेंगे, जो अनबाउंड होगा उसको रिमूव करने के लिए बफर से वॉश करेंगे, जैसे कि मैंने हम लोगों ने इसमें किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इल्यूशन करेंगे, सेम प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन सेम चार्ज का इंक्रीज़ करेंगे। तो ये एनायन है तो हम यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर देंगे, हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे अपना नेगेटिव चार्ज आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, और जब हम नेगेटिव का इंक्रीज़ करेंगे तो इस पॉजिटिव से ये वाले नेगेटिव बाउंड हो जाएंगे, तो जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और हम उसको आसानी से रिमूव कर लेंगे। तो ये होता है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसको इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।